हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मशीन साफ कर रही हूँ भैया आज, क्योंकि कई सूट सिल लिए हैं और कई सूट सिलने के बाद ना मशीन हो जाती है जाम सी भाई, फड़ 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 आवाज करने लग गया है। इस मारे यार साफ करनी भी जरूरी हो गई। कल इतनी तेज आवाज करने लगी थी भाई और बारिया भी चलने लगी थी भाई। देखो बिल्कुल आवाज नहीं, तो इसको तेल पानी कर दूंगी क्योंकि मेरे को सूट सिलने कई सारे भाई। ऊपर रख ली मशीन, ऊपर मशीन रखते हैं ना भाई, ठंडा मौसम कर रखा है राम जी ने, उससे दिन की बारिश होने लग रही है। मशीन ऊपर चढ़ाई थी बस, और उससे दिन तो लगातार ठंडा मौसम हो रहा है। नीचे भी मतलब पंखे पंखे में भी हम काम कर सकते हैं नीचे, लेकिन पहले ना कूलर भी चला लेते जब भी दुकान में बैठे ना जा, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग गई थी। और मैंने इंतजार कर कम का भाई बारिश तो नहीं होगी ना, ठंडा मौसम होगा। अपनी पत्ते ही भाई सिलाई वाले ने जवाब दूंगी, अक्कल दूंगी, परसों दूंगी, पीछे के लिए थी जवाब दे दे के अभी उनने। इस मारे मैंने ऊपर चढ़वाई थी और ऊपर चढ़ते ही बारिश बढ़िया जबरदस्त हो रही है। देख लो भी दिखा देगी कनक आपने, बारिश का मौसम हो रहा है, बादल हो रही है, कदे धूप निकल आवे है और कदे बादल हो गया है। मना कर दिया भाई मशीन साफ, और पिको भी चढ़ा रखी थी, पहले कर दी थी पिको और या उतार दी थी, या साफ कर या चढ़ाऊंगी। तेल पानी कर दिया इसमें मैंने, और देखो दिखाऊँ आपने कौन कौन से सूट सिल दिए मैंने, बैठी बैठी ये दिखा दी। ये देखो यह कुर्ती है भाई, सिली सिलाई आई थी, फिटिंग करी है मैं अपने लिए, लेकर आई थी। इस पर थोड़ा सा कपड़ा था बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ना निशान लग रहा था, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, हल्का सा दाग सा लग रहा था, तो ये धोने के बाद साफ हो जाएगी। इसकी फिटिंग की है एक तो, और एक सलवार यहाँ दम रह गई है अभी, इसका सूट नहीं चपड़ा तो रुपाई करूँगी मैं। और एक सूट की इसकी फिटिंग करी थी, ये तो है पुराना, लेकिन वही दिखते को ना और मोटे होते जान लग गए, मोटापे तो परेशान हो चुकी हूँ मैं। ये देखो एक इसकी करी फिटिंग, दो सूटा की कर ली, और इसका कुर्ता सिल दिया पूरा, तो रुपाई भी होगी, सलवार बनानी रह रही है, इस सलवार में सिल लूंगी। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होगे भाई। और आज तैयारी बना ली है कहीं बाहर जाने की, ना दो कहोगे हैं तैयार, कनक ने लाइट वाइट बंद कर दी है, चलो सब रेडी खड़े हैं भाई। और आज जा रही हूँ मैं झाड़ा लगवाने, पैरों में दर्द ज़्यादा रहा है अभी, दवाई भी खा रही हूँ लेकिन आराम नहीं लग रहा। और भैया ने बता ली थी मेरे को कि झाड़े से आराम हो जाता है, वैसे तो मैं ज़्यादा विश्वास तो करती नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं फिर भी इन चीज़ों का ऐसा हुआ। देखो सब का आराम भी ना लग गया करे और लाग भी जाया करे, बहुत से आगे लाग जाए, जिसका लागना हो जिसका ना लागना हो भी ना भी लग गया। देखो ऐसा होया करे जो कर डॉक्टर की दवाइयाँ का हुआ है ना, इस तरिया हुआ है इसका भी, तो देखा हमारा आराम लग गया है ना लग गया। बाकी मैं वीडियो देखा करूँ बहुत सारा कतारा आराम लग गया और बताया करें, और बहुत सारा कभी ना बताती। ये पानी की बोतल लेके चलनी है, ले चलो पानी की बोतल चाहिएगी भाई, क्योंकि घर से बाहर जाते हैं तो पानी तो चाहिए चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, निकड़ते निकड़ते भी कई सारे काम याद आ जाए। अभी गैल गैल आप तो बात करने लग रही हूँ, सामान संगवान लग रही हूँ, वैसे धोने थे मैंने कपड़े क्योंकि आज था संडे, लेकिन ठीक रहा बस अचानक प्रोग्राम बन गया, कल तक तो नहीं था प्रोग्राम जाने का। और आज ही ले आई हूँ पानी की बोतल, और मैं चल पड़ी हूँ नीचे, बालक मेरे तक अग जा लिया नीचे तो।
वहाँ हर एक चीज़ का धाड़ा लगता है अभी, दर्द वगैरह का, और जैसे किसी के बच्चे वगैरह ना होते तो उस चीज़ का भी, और नशे वगैरह का भी, मतलब हर एक चीज़ का लगता बताऊँ। और जाके देखते हैं आज, मैंने तो वीडियो ही देखी है जितनी बार देखी है, और तो मैं आज जाके देखूँगी भाई क्या कुछ है वहाँ पे। जैसे भगवान में श्रद्धा होना है, इस तरिया है, मतलब जाड़ा है भगवान का ही वो है, इनमें भी श्रद्धा का ही वो है, सब लग गया भैया राम तो क्या पता हमारे भी लग जा, देखते हैं जाड़ा लगवा के। ये देख लो भाई बोड़ा बाबा बन रहे हैं, गले में सर्प भी है, ये यहाँ पे ना इस गांव में मांग खा रहे हैं, घर घर भिक्षा मांग रहे हैं, बोले का बेस दर्द है। हम आए थे भी बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ जिस काम से आए थे वो काम हमारा होया नहीं। ये देख लो ये गांव है, और मौसम बिल्कुल ठंडा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, कहीं कहीं धूप है कहीं बादल है, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल बादल हो रहे हैं और आंख धूप दिखाई दे रही है आपको। हरियाणा में भी देख लो लेडीज आना है बाइक चला, देखो वो भी चला है, क्योंकि हरियाणा में साधन कम हो ना, सबके गाँव थी बस वगैरह व्हीकल सारी जगह सुविधा ना होती, जरूर आनी चाहिए, अपने आप चलानी आती हो तो किसी के भरोसा ना रहना पड़ता, स्कूटी हो बाइक हो गाड़ी हो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ चलाना सीखना चाहिए। ये देख लो भाई अपने गांव में आ गए हैं बस बॉर्डर पे, कितनी लाइन लग रही है, सीएनजी डलवाने के लिए रुक गए हैं, एक आधी बार तो बिल्कुल भीड़ नहीं पाती है, एक ही दो गाड़ी पाती है, और आज तो जबरदस्त भीड़ लग रही है, पता नहीं डाल भी रहे हैं कि नहीं, बहुत देर होली यहीं पे रुक के खड़े हैं। कई बार तो प्रेशर भी कम में मिल रहे हैं यहाँ पे भाई। वहाँ पे गए थे भादरगढ़, तो मैं बता रही थी आपको काम बना नहीं, झाड़ा लगाने के लिए बोल रहे थे उधर कि पैरों का में दर्द होता है, कहीं भी दर्द होता है बॉडी में तो आराम हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से चले गई भाई, जो भी वहाँ देखती हो और जो जाना चाहती हो वहाँ पे भादरगढ़ झाड़ा लगवाने, तो भाई वहाँ से चेंज हो गए, वो कहीं और चले गए, अभी मेरे को भी नहीं पता चला उनके एड्रेस का, पता चल जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल, वहाँ से चले गए। मैंने भी वीडियो के थ्रू ही देखा था कि वहाँ पे कोई झाड़ा लगाता है और बहुत सो के आराम भी है, तो मैं सोच रही थी भाई, वैसे तो कई जगह लगते हैं, राजस्थान साइड में भी लग रहे हैं झाड़े, हमारे गाँव से यहाँ से भी जाते हैं बहुत सारी लेडीज, लेकिन वो दूर ज़्यादा हो जाता है, ये नज़दीक था भाई, और ये संडे को भी लगा देती थी झाड़ा, तो मैं तो इसलिए गई थी कि क्या पता भाई आराम भी हो जाए, एक बार जाके देखने में क्या बुराई है, तो वो मिली नहीं भाई, वो काम हमारा होया नहीं, सारा दिन बस ऐसे चला गया, दोपहर होगी और हल्की हल्की सी बारिश भी आने लगी, फुहार सी, हम बिल्कुल गांव के नज़दीक आ गए हैं, गैस डलवाई है अभी, और कनक के पापा कुछ सामान लेने गए हैं, हम बैठे हैं गाड़ी में, तब तक मैंने सोचा भी आपके साथ शेयर कर लूं, आज का मतलब जाना तो बस खराब था, मतलब कुछ काम होया ही नहीं, बस ऐसे टाइम खराब करके और आ गई घर वापिस। वहाँ पकोड़े खाए पनीर के, 60 साल पुरानी दुकान थी वहाँ पे, कोई
मेन रोड पे, लेकिन थोड़ा सा मतलब भीड़ से का एरिया था, क्योंकि मेन रोड था वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते थे, और मेरा गाड़ी में रह गया था फोन, इसलिए मैं शूट करके आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि हमने इतने लिए थे कि वहीं पे खा लिए थे, ज्यादा हम लेके नहीं आए, क्योंकि हम घर पे बनाते रहते, थोड़े ही खाए थे, बस टेस्ट करने के लिए भाई यूं कि भाई कई जगह पे जैसे ऐसे मशहूर होते हैं ना कि यहाँ की चीज ये बेस्ट है, तो इसीलिए चेक करके देखे थे, टेस्ट में अच्छे थे, हमने थोड़े लिए थे, और कहने फिर कनक के ठंडे भी हो जाते, तो इसीलिए हमने इतने लिए थे, बस वही खा लिए, अच्छे थे लेकिन। और अब घर जाएंगे, बारिश का मौसम हो रहा है, कपड़े धोऊंगी, देखते हैं क्या कुछ कर पाएंगे, दुकान भी खोल लेंगे जाने के बाद, और एक खेत में से मिट्टी लेके आनी है, क्योंकि ऊपर मैंने सब्जी वो रखी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, उसकी मतलब बूगी है वो अच्छी निकल आई है, इतनी इतनी हो गई है, मतलब मेरी चार इतनी उंगलियों जितनी ऊपर आ गई हैं प्योद, तो अब वो अलग अलग करनी है, तो अब मेरे को मिट्टी की और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मैं कट्टे होते हैं ना छोटे छोटे ऐसे, उसमें मतलब ऐसे गमले की तरिया बना लूँगी, और कई बाल्टी वगैरह हैं, मैं सोच रही हूँ गमले से ज़्यादा ना बाल्टी अच्छी चलती हैं, तो एक हमारे इधर प्लास्टिक बेचने वाला आता है, मैं उसके पापा से कह रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि बाल्टी ले लूँ उनसे बड़ी बड़ी, और उनकी लाइफ भी अच्छी है, गमले तो तभी टूट जाते हैं प्लास्टिक के भाई, थोड़ी सी धूप लगने के बाद, और बस दो या 3 महीने में ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं चलते प्लास्टिक के, और मिट्टी वाले में ऐसी है कि वो बस तरेड़ वरेड़ उसमें जब आ जाए, अगर मतलब पेड़ की जड़ ज़्यादा ग्रोथ कर गई तो भी वो जल्दी फट जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि सिमटेड होते हैं वो, तो फट जाते हैं, क्योंकि मेरे एक दो गमले फट गए ऐसे, उनकी जैसे जड़ ज़्यादा हो जाती है ना तो फट गए, इसीलिए भाई वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, आगे आपको दिखाऊंगी मिट्टी लेके आएंगे और उनको कैसे मैं दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र करती हूँ पेड़ों को, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई।